नमस्कार, खबर समय स्वागत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने कार्यकाल में प्रदेश के सभी नगरों की अंदरूनी सड़कों को ठीक करने के लिए राज्य सरकार को राशि उपलब्ध कराई थी। इसके लिए राज्य सरकार ने कायाकल्प अभियान शुरू किया था। इसी के तहत वार्ड 34 में खराब सड़कों को ठीक करने के लिए स्थानीय पार्षद पप्पू विलास की पहल पर CI कॉलोनी, बैंक कॉलोनी की सड़कों को बनाने के लिए भूमि पूजन किया गया। पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह ने भूमि पूजन किया। पार्षद पप्पू विलास ने कहा कि मेट्रो के काम के चलते CI कॉलोनी में सब स्टेशन बनाया जा रहा है, जिससे सड़कों की हालत खराब हो गई। अब इसे किया जा रहा है ताकि यहां से आने जाने वाले लोगों को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। सरकार ने इसके लिए 70 लाख रुपए की राशि आवंटित की थी। बता दें कि पूर्व की सरकार ने प्रदेश के 413 नगरीय निकायों को कायाकल्प अभियान के तहत 750 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। पप्पू काका विकास करो, हम तुम्हारे साथ। पप्पू भैया विकास करो, हम तुम्हारे साथ। के अंतर जो पार्षद हैं वार्ड 34 से, उन्होंने अपने क्षेत्र में ये जो बहुप्रतीक्षित काम था, ये रोड बहुत दिनों से खराब थी और जो कि मैं समझता हूँ कि यहाँ पूर्व में जो बहुत दिनों से जिनके पास ये विधानसभा सीट, उनको करना चाहिए था ये काम, उन्होंने नहीं किया। पप्पू विलास जी ने इस काम को गंभीरता से लिया और ये रोड जो बहुत बुरी स्थिति में थी, उसमें करीब 70 लाख की लागत से इस पूरे क्षेत्र में इस रोड का काम करा रहे हैं। तो मैं पप्पू विलास जी को बधाई देता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है कि हम विकास के नाम पे वोट मांगते हैं और विकास ही करते हैं, तो उस नारे को सच करते हुए इन्होंने ये काम किया। मैं उनको बधाई देता हूँ और सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ कि उनके क्षेत्र में इतना विकास का कार्य हो रहा है और उन्होंने इतना योग्य पार्षद चुना है कि जो कि उनकी छोटी से छोटी और बड़े से बड़े कामों की पूरी चिंता करते हैं। तो मैं पार्षद जी को और यहाँ के वार्ड की जनता दोनों को बधाई देता हूँ। भूमि पूजन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने पिछली बार कायाकल्प के नाम से योजना बनाई थी, जो शहरों के अंदर जिन क्षेत्रों में काम नहीं हो पाते और जो बहुत समय से सड़कें खराब थी, यह सड़कों के लिए एक निधि आवंटित की थी। 70 लाख रुपए की राशि इसके अंदर मध्य प्रदेश शासन द्वारा आवंटित की गई थी और इसके आज के कार्य का भूमि पूजन हुआ है। ये मेट्रो के कारण ये CI कॉलोनी का जो क्षेत्र था, मेट्रो का यहाँ सब स्टेशन बन रहा है, तो इसकी वजह से पूरी उस समय सड़कें यहाँ से उधड़ गई थी, उखड़ गई थी, वो बड़ी ख़राब स्थिति थी। उसी प्रकार से ये पनमरी हॉस्पिटल में आने वाले जो लोग हैं उनको बड़ी परेशानी होती थी और शिव मंदिर के पास में बैंक कॉलोनी के पास एक सड़क का निर्माण है, अभी कार्य बाकी हुए हैं। इसके अंदर परसों महापौर जी के द्वारा भी भूमि पूजन किया जाएगा। जहांगीराबाद बाजार की सड़क ही बड़ी जर्जर स्थिति के अंदर है, तो उसका भूमि पूजन किया जाएगा। आज आदरणीय ध्रुव नारायण सिंह जी ने इसका भूमि पूजन करा, कृष्णा घाड़गे जी ने, मैं उन लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। यार, इस रोड की आवश्यकता थी। विगत 10 वर्षों से यहाँ पे लगभग 8 से 10 हज़ार लोगों का रोज का आवागमन लोगों का है और जो रोड काफ़ी ख़राब हो गई थी, इस क्षेत्र के पार्षद भाई पप्पू विलास जी के अथक प्रयासों से लगभग 70 लाख रुपए का जो एक सेंक्शन हुआ है रोड, जिसका कार्य आज से प्रारंभ हुआ है, जिसका भूमि पूजन आज पार्षद पप्पू विलास जी द्वारा, ध्रुव नारायण सिंह जी द्वारा एवं हम सभी कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है विकास के नाम पर, जो वोट मांगती है विकास के नाम पर, जो आगे बढ़ती है उसके अथक प्रयासों से आप देख रहे हैं कि वार्ड 34 में भी लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। लगभग हर महीने जब से पप्पू विलास जी पार्षद बने हैं यहाँ पर, उनके अथक प्रयासों से बार बार कभी रोड, कभी नाली और कभी पानी और जो जन मूलभूत सुविधाएं होती हैं उसको लेकर यहाँ पर हर बार काम किया जाता है। उसी के तारतम्य में आज एक बड़ी सौगात वार्ड 34 के लोगों को मिली है, जिसमें 70 लाख रुपए की ये रोड सेंक्शन की गई है और बहुत जल्द 5-7 दिनों में ये रोड बनकर तैयार हो जाएगी। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।